बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर खैरियत से होंगे। आज फिर आपको माई इंजीनियर यूट्यूब चैनल में फिर से खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहली जो फर्स्ट बात है उसमें हम आपको ये बताते हैं कि हमने अपने यूट्यूब चैनल का नाम, पहले जो नाम था अपना इंजीनियर, अब हमने तब्दील करके माई इंजीनियर यूट्यूब चैनल कर दिया है। उम्मीद है आप इस फैसले से खुश होंगे। और आज हम अपने लेक्चर नंबर 41 में देखेंगे डेल्टॉन सर्किट क्या चीज होती है, उसको किस तरह डिजाइन किया जाता है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे और उसके कुछ एम पॉइंट्स देखेंगे। इन तमाम टॉपिक को सीखने के लिए आज के लेक्चर नंबर 41 को शुरू से लेकर एंड तक देखें, दरमियान से स्किप ना करें ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए और हमारे YouTube चैनल My Engineer को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान को दबाना ना भूलें ताकि तमाम नए आने वाले इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। टाइम जाए के बगैर अपने मेन टॉपिक की तरह चलते हैं और आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। अगर हम डेल्टॉन सर्किट या इसका दूसरा नाम जो है एक्सट्रॉन सर्किट का डायग्राम देखें कि इसको हम किस तरह डिजाइन करते हैं, तो बेसिकली हम डेल्टॉन सर्किट या एक्सट्रॉन सर्किट को बेसिकली हम इस तरह डिजाइन करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके डिजाइन में जो जो चीजें यूज होती हैं उनको किस तरह लगाया जाता है। हमारे पास सबसे पहले एक ऊपर वाली यानी कि आउटपुट के लिए एक रेजिस्टेंस मौजूद होती है जिसे हम आउटपुट लेते हैं, और एक हमारे पास ट्रांसफार्मर होता है उसके बिल्कुल शरीर में एक कैपेसिटर लगा दिया जाता है और उसके साथ दो कैपेसिटर लगा देते हैं, यानी कि एक इस तरह बॉक्स बनाते हैं, ये वाला सिंपल बॉक्स बनाते हैं। उसमें हमारे पास तीन कैपेसिटर, फोर कैपेसिटर यूज होते हैं, दो ट्रांसफार्मर यूज होते हैं और एक हमारे पास मल्टीप्लायर यूज होता है। इनको हम ट्रांसफार्मर कहते हैं बेसिकली, इनको हम कैपेसिटर कहते हैं। और एक पॉइंट हम इस जगह से लेते हैं और एक पॉइंट इस जगह से लेते हैं और हम एक डायोड लगा देते हैं जिसका नाम हम मल्टीप्लायर कहते हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास मल्टीप्लायर है और इसको हम स्टेज टू का नाम दे देते हैं। सिंपल इसी तरह हम नीचे एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें चार कैपेसिटर यूज करते हैं, दो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं और एक डायोड जिसको हम मल्टीप्लायर कहते हैं। तो बेसिकली हम जैसे कि मैंने आपको बताया तो इसमें भी हम एक ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, सॉरी दो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, चार कैपेसिटर यूज करते हैं और एक लाइन यहाँ से लेते हैं और ये एक यहाँ से और एक डायोड लगा लेते हैं, तो इसको हम मल्टीप्लायर कहते हैं। तो सिंपल इसी तरह ये दो बॉक्स ऊपर नीचे आ जाते हैं और इनको यानी कि दोनों को तो कंप्रेस कर देते हैं और इनको इनको दोनों को मिला देते हैं और इनको क्या कहते हैं, ये हमारे पास मल्टीप्लायर है, ये वाली चीज और ये वाली चीज, इन दोनों को हम क्या नाम देते हैं कि ये हमारे पास मल्टीप्लायर है। और नीचे एंड पे एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें एक ट्रांसफार्मर यूज करते हैं और एक हमारे पास कैपेसिटर यूज होता है। जो हमारे पास ट्रांसफार्मर होता है उसको हम सीरीज में लगाते हैं और जो हमारे पास कैपेसिटर इसमें यूज हो रहा है उसको हम पैरेलल में लगा देते हैं, और एक हमारे पास ऑसिलोस्कोप यानी कि यूज होती है उसको भी, यानी कि एसी या डीसी या इनपुट वोल्टेज के लिए यूज होती है उसको हम भी पैरेलल में लगा देते हैं सर्किट में। तो बेसिकली हम डेल्टॉन सर्किट को कुछ इस तरह डिजाइन करते हैं। अब हम देखते हैं कि डेल्टॉन सर्किट किस तरह वर्क करता है और उसके कुछ एम पॉइंट्स। हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मिनिमम 10 केवी फॉर एवरी स्टेज। वो कहता है कि जो हमारे पास डेल्टॉन सर्किट या एक्सट्रॉन सर्किट है ये हर स्टेज पे मिनिमम यानी कि कम से कम भी अगर तो वोल्टेज दे तो वो 10 केवी देगा, इससे कम नहीं देगा। अगर हम डायग्राम से देखें तो हमारे पास ये एक स्टेज नंबर टू है और ये नीचे वाला हमारे पास स्टेज नंबर वन है और ये एक स्टेज है। वो कहते हैं अगर ये तीनों में से भी कोई से भी स्टेज पे अगर वोल्टेज चेक कर दिए जाए तो कम से कम हमारे पास वोल्टेज कितने होंगे, 10 केवी होंगे, इससे कम हमारे पास वोल्टेज नहीं होंगे। इसी तरह हमारे पास दूसरे बैंड में वो कहते हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम 25 केवी
केवी नंबर ऑफ स्टेज, यानी कि वो कहते हैं कि हमारे पास हर स्टेज पर, यानी कि हमारे पास जैसे कि इसमें दो स्टेजेस हैं, स्टेज वन और स्टेज टू कैस्केड सर्किट में, तो वो कहते हैं कि हर स्टेज, यानी कि हर स्टेज पे हमारे पास जो वोल्टेज होते हैं ज्यादा से ज्यादा वो 25 केवी होते हैं, यानी कि 25 केवी से ज्यादा नहीं होते। वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो यानी कि स्टेज है, स्टेज टू, स्टेज वन और इसी तरह नीचे वाला, तो इस पे हमारे पास जो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज होते हैं वो होते हैं 25 केवी, यानी कि इससे ज्यादा नहीं होते। तो बात दोहराता जाऊं कि हमारे पास कम से कम जो वोल्टेज होते हैं वो 10 केवी होते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारे पास जो वोल्टेज होते हैं वो 25 केवी होते हैं। अब हम देखते हैं आगे लोड बाय, यानी कि इसमें क्या की चीजें हमारे पास लगी होती हैं। टर्मिनल रेजिस्टेंस एट आउटपुट 10 केवी मिनिमम पर स्टेज, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेज आर 25 FX6 गैस इन्वॉल्व। लोड बाय में वो कहता है कि हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है, यानी कि टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ आउटपुट, तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लगी होती है, इसको क्या हम नाम देते हैं, टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस, ये आउटपुट के लिए यूज होती है। और दूसरे पॉइंट में आपको मैंने बताया था कि हमारे पास मिनिमम इसमें जो हर स्टेज पे वोल्टेज होते हैं वो 10 केवी होते हैं और मैक्सिमम हमारे पास 25 होते हैं, ये तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट में वो कहते हैं कि हमारे पास इस सारे सर्किट में ना, हमारे पास सारे सर्किट में क्या चीज इन्वॉल्व होती है, SF6 गैस इन्वॉल्व होती है। ये तो था लोड बाय का। तो अब हम फोर्थ पॉइंट वैसे देखते हैं कि फोर्थ पॉइंट में हमारे पास क्या होता है, ऑल ट्रांसफार्मर आर यूज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये कहता है कि कैस्केड सर्किट में हमारे पास जितने भी ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं, ट्रांसफार्मर और ये ट्रांसफार्मर एंड वाला, ये जो हमारे पास ट्रांसफार्मर यूज है हो रहे हैं, वो कहते हैं कि ये हमारे पास कौन से ट्रांसफार्मर यूज हो रहे हैं, ये हमारे पास स्टेप अप, यानी कि जो वोल्टेज कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज में तब्दील करते हैं, ये वो वाले हमारे पास ट्रांसफार्मर यूज हो रहे हैं। इसी तरह वो फिफ्थ पॉइंट में कहता है कि कोर लॉसेज, यानी कि वो कहता है कि हमारे पास जो कैस्केड सर्किट है या एक्सट्रॉन सर्किट है, इसमें हमारे पास लॉसेज पैदा होते हैं, कौन से, कोर लॉसेज, उनका जो इक्वेशन होती है वो होती है आई स्क्वायर आर लॉसेज, यानी कि इस कैस्केड सर्किट में हमारे पास लॉसेज पैदा होते हैं और लॉसेज पैदा होते हैं, उसकी इक्वेशन है आई स्क्वायर आर। इसी तरह सिक्स पॉइंट में वो कहता है कि हमारे पास स्ट्रे लॉसेज भी होते हैं वी स्क्वायर आवर आर, यानी कि हमारे पास दो किस्म के कैस्केड सर्किट में लॉसेज पैदा होते हैं। नंबर वन, हमारे पास जो लॉसेज पैदा होता है वो होता है आई स्क्वायर आर, यानी कि कोर लॉसेज, और सेकंड नंबर पे हमारे पास जो लॉसेज पैदा होता है वी स्क्वायर आर। ये दो तरह के हमारे पास कैस्केड सर्किट या एक्सट्रॉन सर्किट में लॉसेज पैदा होते हैं। इसी तरह वो आगे वाले यानी कि सेवन पॉइंट में कहता है कि कोर एल्यूमिनियम आयरन लीड वायर गिवन इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी कि वो कहता है कि हमारे पास जो कोर्स होती है एल्यूमिनियम होती है, आयरन होती है, लीड वायर्स वगैरह होती हैं, वो हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस देती हैं। और एट पॉइंट में कहता है कि जो हमारे पास गैसें होती हैं FX6 गैस, एल्यूमिनियम गैस, इसी तरह हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैसेज इस सर्किट में इन्वॉल्व होती हैं, वो हमें क्या देती हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये एक एम पॉइंट है, यानी कि हमारे पास कॉपर एल्यूमिनियम धातें जितनी भी हैं, आयरन लीड वायर वगैरह जितनी भी हैं, वो इंडक्टिव रिएक्टेंस देती हैं। और हमारे पास जो भी गैसें हैं FX6 गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, जो इस सर्किट में यानी कि कैस्केड सर्किट में इन्वॉल्व होती हैं, वो हमें क्या देती हैं, वो हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस देती हैं। इसी तरह हमारे पास जो नाइन पॉइंट है उसमें वो कहता है कि हमारे पास जो ऑड नंबर ऑफ स्टेज फॉर पॉजिटिव साइकिल है, यानी कि जो हमारे पास पॉजिटिव साइकिल है वो ऑड को यूज करता है, ऑड हमारे पास होते हैं 1, 3, 5, यानी कि हमारे पास जितने भी तादाद है उनको हम ऑड कहते हैं, वो तो वो शो करता है पॉजिटिव नंबर को। तो और जो हमारे पास इवन यानी कि जुफ्त तादाद होती है, यानी कि 2, 4, 6, इस तरह के जो हमारे पास नंबर है वो पॉजिटिव नेगेटिव को
यूज करते हैं। तो 9 और 6 बैंड की ये है कि इसमें जो हमारे पास 8 नंबर है कैस्केड सर्किट में 1, 3, 5 ये क्या करते हैं, ये पॉजिटिव साइकिल को यूज करते हैं। और जो हमारे पास इवन नंबर है यानी कि 2, 4, 6, 8 इसी तरह वो नेगेटिव साइकिल को यूज करते हैं। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने सबसे पहले देखा है कि कैस्केड सर्किट क्या चीज होती है, इसको किस तरह डिजाइन करते हैं, ये किस तरह वर्क करता है और इसको किस तरह लोड किया जाता है, लोड बाय पॉइंट देखा था और इसमें कुछ एम पॉइंट्स देखे थे। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आए होगी। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई क्यूरी वगैरह आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया होगा तो उससे पर रब्ता कर लें, नहीं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना कि ये क्यूरी आ रही है, तो इंशाल्लाह मैं आपकी क्यूरी को दुरुस्त कर दूंगा। मजीद ऐसे लेक्चर यानी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल माई इंजीनियर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान को दबाना ना भूलें ताकि तमाम नए आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। थैंक्स वॉचिंग योर वीडियो।